फ्रेंड्स नमस्कार, मैं शरदचंद अपने चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गिटार की ट्यूनिंग कैसे की जाती है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सारे मेजर कॉर्ड कैसे बजाए जाते हैं और जो कॉर्ड के चार्ट्स हैं ये भी आपको दिखाऊंगा। इसमें आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इसमें फ्रेट्स कहाँ बना हुआ है, स्ट्रिंग कैसे बनी हुई है, कौन सी स्ट्रिंग में जो फिंगर रखेगी उसके कौन से नोटेशन बज रहे हैं, इस कॉर्ड में कौन से नोट इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, इनको जानने के लिए सबसे पहले आप एक चीज ये समझ लीजिए कि आपको फिंगर्स कैसे याद करनी है। ये आपकी इंडेक्स फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, ये रिंग फिंगर है, ये लिटिल फिंगर या पिंकी है, इसको याद कर लीजिए 1 2 3 4, क्योंकि चार्ट में ऐसी मार्किंग बनी होगी फिंगर्स की 1 2 3 4, इससे आपको बजाने में आसानी होगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ए मेजर कॉर्ड से। ए मेजर कॉर्ड क्या है, देखिए ये आपका ए मेजर कॉर्ड है, ये फ्रेट्स बने हुए हैं, ये स्ट्रिंग्स बनी है 1 2 3 4 5 6, इसके नाम है ए बी जी डी ए। ये स्ट्रिंग्स जो बज रही हैं उनके नोटेशन हैं जो जो बज रहे हैं इसके अंदर। ये क्रॉस लगा इसका मतलब ये स्ट्रिंग नहीं बजनी है, ओपन इसका ओपन स्ट्रिंग बजनी है। ये नोटेशन लिखे हैं कौन से ए मेजर में बजे, ए सी शार्प ई। ठीक, अब आपको गिटार दिखाते हैं कैसे बजेगा ये। थोड़ा नजदीक से समझ लीजिए इसको, उसमें बताया था 2 3 4, यानी सेकंड फ्रेट पे फोर्थ स्ट्रिंग, सेकंड फ्रेट पे सेकंड फिंगर फोर्थ स्ट्रिंग पे यानी डी स्ट्रिंग पे। ठीक, थर्ड फिंगर सेकंड फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग पे यानी जी स्ट्रिंग पे, फोर्थ फिंगर सेकंड फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग पे यानी बी स्ट्रिंग पे, ये आपका ए मेजर हो गया। ये 2 3 4 है, आप इसको 1 2 3 से ही बजा सकते हैं, जैसे फर्स्ट फिंगर सेकंड फ्रेट पे फोर्थ स्ट्रिंग पे क्या हो गया आपका डी स्ट्रिंग, ये सेकंड फिंगर सेकंड फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग पे यानी जी, थर्ड फिंगर सेकंड फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग यानी बी। ठीक, अब सिक्स स्ट्रिंग नहीं बजनी, फाइव स्ट्रिंग बजनी है यानी 5 4 3 2 1, ये। अब इसमें नोटेशन कैसे यूज हो रहे हैं देखिए, ये हमने रखा था सेकंड फिंगर सेकंड फ्रेट पे फोर्थ स्ट्रिंग पे यानी कौन सी स्ट्रिंग हो गई फोर्थ स्ट्रिंग, डी स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, अब डी में क्या होता है, ये डी में डी शार्प, ये ई नोटेशन हो गया। ठीक, थर्ड फिंगर सेकंड फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग पे रखनी है यानी जी स्ट्रिंग पे, तो जी के बाद क्या होता है जी शार्प, ये ए हो गया। ठीक, फोर्थ फिंगर सेकंड फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग यानी बी स्ट्रिंग पे, बी के बाद क्या आता है सी, ये सी शार्प। ठीक, तो इसीलिए इसके अंदर जो नोटेशन यूज हुए हैं क्या है, ए सी शार्प ई। ठीक है, अब आप याद करिए कॉर्ड बी, मेजर कॉर्ड बी। अब इसमें क्या है, ये फ्रेट बने हुए, ये स्ट्रिंग्स बनी हुई, ये क्रॉस लगा नहीं बजना, ये फिंगर्स की पोजीशन है, ये नोटेशन इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, ये कैसे बजेगा गिटार पे देखिए, फर्स्ट फिंगर को सेकंड फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग पे यानी ई स्ट्रिंग पे, सेकंड फिंगर को फोर्थ फ्रेट पे फोर्थ स्ट्रिंग पे यानी डी स्ट्रिंग पे। ठीक, थर्ड फिंगर को फोर्थ फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग पे यानी जी स्ट्रिंग पे, फोर्थ फिंगर को फोर्थ फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग पे यानी बी स्ट्रिंग पे, ये हो गया आपका बी मेजर। ठीक, इसके नोट्स क्या है, बी डी शार्प एफ शार्प, ये आप ऐसे ही निकाल सकते हैं जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था कि अगर ये ई है तो ये अगला नोट क्या होगा एफ, F शार्प जी, जी शार्प ए, सेकेंड स्ट्रिंग बी है तो बी के बाद सी, सी शार्प डी, डी शार्प ई, थर्ड स्ट्रिंग है जी तो जी के बाद जी शार्प ए,
ई शार्प डी सी, फोर्थ स्ट्रिंग आपकी डी, डी शार्प ई एफ एफ शार्प जी, ठीक है। फिफ्थ स्ट्रिंग ए, एक बार ए शार्प बी सी, सी शार्प डी, फिर ई स्ट्रिंग है तो एक बार एफ एफ शार्प जी, जी शार्प ए, ठीक। इससे आप नोटेशन निकाल लेंगे। तो ए मेजर में क्या नोटेशन थे, ए सी शार्प ई, बी मेजर में क्या है, बी डी शार्प एफ शार्प, ठीक है। अब आप देखिए सी मेजर, ये सी मेजर है, ये फ्रेट बने हुए, स्ट्रिंग्स बनी हुई, ये फिंगर्स की पोजीशन है, ये क्रॉस है, ये ओ मतलब ओपन स्ट्रिंग बननी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। ये कैसे बजेगा, देखिए फर्स्ट फिंगर को फर्स्ट फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग पे रखना है, यानी बी स्ट्रिंग पे रखना है, ठीक। सेकंड फिंगर को सेकंड फ्रेट पे फोर्थ स्ट्रिंग पे रखना है, यानी डी स्ट्रिंग पे रखना है, ठीक है। थर्ड फिंगर को थर्ड फ्रेट पे फिफ्थ स्ट्रिंग पे रखना है, यानी ए स्ट्रिंग पे रखना है। ये आपका सी मेजर हो गया। इसमें कौन से नोटेशन यूज हो रहे हैं, सी ई जी। अब ये जो नोटेशन जो निकल रहे हैं, इसको याद करने का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला समझ लीजिए, एक तीन पांच, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, जो भी आप कॉर्ड बजा रहे हैं उसके कॉर्ड को, जैसे सी कॉर्ड आपने बजाया तो सी को मान लीजिए फर्स्ट नंबर, सी के बाद क्या था, सी डी ई, तो थर्ड नंबर हो गया ई एफ जी, फिफ्थ पे हो गया जी, तो इसके नोटेशन बनेंगे सी ई जी, ठीक। यही रूल हर में फॉलो होगा, ठीक है। अब देखिए डी मेजर, ये आपका डी मेजर, ये फ्रेट्स बने हुए हैं, ये स्ट्रिंग्स बनी हुई है, ये नोटेशन लिखे हुए हैं इसके जो बज रहे हैं, ये क्रॉस मतलब नहीं बजना है, ओ मतलब ओपन है, ये स्ट्रिंग्स में जो नोटेशन बजे हैं डी मेजर में, वो ये लिखे हुए हैं डी मेजर के, ठीक है। अब आपको डी मेजर कैसे बजाना है गिटार में, फर्स्ट फिंगर को सेकंड फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग, यानी जी स्ट्रिंग पे, ठीक। सेकंड फिंगर को सेकंड फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग पे, यानी ई स्ट्रिंग पे, थर्ड फिंगर को थर्ड फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग, यानी बी स्ट्रिंग पे, ये आपका डी मेजर हो गया, ठीक। इसमें चार स्ट्रिंग बजती हैं, फोर फोर थ्री टू वन, ऊपर की सिक्स और फिफ्थ स्ट्रिंग नहीं बनेंगी, ठीक। इसकी नोटेशन क्या है, डी एफ शार्प, ये भी वैसे आप निकाल लेंगे, ठीक। अगला कॉर्ड है ई मेजर, ई मेजर कैसे बजता है, ये फ्रेट्स हो गए, ये स्ट्रिंग्स हो गई, ये ओपन हो गया, ये फिंगर्स की पोजीशन वन टू थ्री, इसमें सारी स्ट्रिंग बजेंगे, ठीक है। ई मेजर कैसे बजेगा, देखिए फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग पे, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग पे, यानी जी स्ट्रिंग पे, ठीक। सेकंड फिंगर सेकंड फ्रेट पे फिफ्थ स्ट्रिंग पे, यानी ए स्ट्रिंग पे, थर्ड फिंगर सेकंड फ्रेट पे फोर्थ स्ट्रिंग पे, यानी डी स्ट्रिंग पे, ठीक है। ये आपका ई मेजर हो गया। इसमें कौन से नोटेशन यूज हो रहे हैं, ई जी शार्प बी, ठीक। अब आया एफ मेजर, एफ मेजर बजाने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका ये है, ये एफ मेजर, ये क्रॉस नहीं बजना है, पहली फिंगर से दो स्ट्रिंग दब जाएंगी, सेकंड फिंगर थर्ड स्ट्रिंग पे आ जाएगी, थर्ड फिंगर फोर्थ स्ट्रिंग पे आ जाएगी, ठीक है। ये एफ मेजर है, ये कैसे बजेगा, देखिए फर्स्ट फिंगर से पहली दोनों स्ट्रिंग दबा लिया, नेल को बार बना दिया, ठीक। सेकेंड फर्स्ट फ्रेट पे फर्स्ट फिंगर से ई और बी प्रेस कर लिया, सेकेंड फिंगर सेकेंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग यानी जी, थर्ड फिंगर थर्ड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग यानी डी, ये आपका एफ मेजर हो गया एक तरीका, ठीक। दूसरा तरीका एफ मेजर का, ये ऐसे बजा सकते हैं, ये फ्रेट हो गए, ये स्ट्रिंग्स हो गई, ये पहली दोनों स्ट्रिंग को हमने फर्स्ट फिंगर से कवर कर लिया, सेकंड थर्ड फोर्थ, ये कैसे बजेगा,
ये फर्स्ट फिंगर से दो स्ट्रिंग दबा ली, सेकंड, ठीक है, सेकंड फिंगर आ गई सेकंड फ्रेट पे, थर्ड स्ट्रिंग पे, थर्ड फिंगर थर्ड फ्रेट पे, फिफ्थ स्ट्रिंग पे, और फोर्थ फिंगर थर्ड फ्रेट पे, फोर्थ स्ट्रिंग पे, ये आ गया एफ मेजर। ठीक, एफ मेजर थोड़ा मुश्किल कॉर्ड है, इसको बजाने में थोड़ी मेहनत लगेगी, तो क्योंकि हम इसमें काफी प्रेशर लगाना पड़ता है। ठीक, अब अगर आप स्ट्रेस एफ बजा रहे हैं तो आपको सिक्स स्ट्रिंग को नहीं बजाना होता है, तो या तो आप ऐसे टच कर लीजिए, या ये जो आपकी थर्ड फिंगर है इसको जब आप बजाएंगे हल्का से इसको टच कर लीजिए ऊपर ये, ठीक है, तो ये म्यूट हो जाएगा, नहीं बजेगा ये। एक और तरीका एफ मेजर बजाने का, आप ऐसे पूरा बार बना लीजिए फर्स्ट फिंगर से, बाकी टू थ्री फोर पोजिशन वही रहेगी, ठीक है, इसमें सारी स्ट्रिंग बच जाएंगे आपकी। तो कैसे करा हमने, ये बार बना लिया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक, ये एफ मेजर हो गया। इसमें कौन से नोटेशन यूज हो रहे हैं, एफ ए सी, ठीक, उसके बाद आया जी मेजर। अब जी मेजर बजाने के भी दो तरीके हैं, पहला जी मेजर ऐसे बज रहा है, देखिए ये फ्रेट्स हो गए, ये स्ट्रिंग्स की पोजीशन हो गई, ये फिंगर की पोजीशन हो गई, ओ मतलब सारी स्ट्रिंग बजनी, ठीक है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फिंगर सेकंड फ्रेट पे, फिफ्थ स्ट्रिंग पे, ठीक, सेकंड फिंगर थर्ड फ्रेट पे, सिक्स स्ट्रिंग पे, थर्ड फिंगर थर्ड फ्रेट पे, फर्स्ट स्ट्रिंग यानी ई स्ट्रिंग पे, ठीक, ये जी मेजर हो गया। ठीक, एक और तरीका जी मेजर बजाने का, आप ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, ये भी जी मेजर बजाने का तरीका है। क्या करेंगे, फर्स्ट फिंगर सेकेंड फ्रेट पे, फिफ्थ स्ट्रिंग पे, सेकेंड फिंगर यानी ए स्ट्रिंग पे, ठीक है, सेकेंड फिंगर थर्ड फ्रेट सिक्स स्ट्रिंग यानी ई स्ट्रिंग पे, थर्ड फिंगर थर्ड फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग यानी बी स्ट्रिंग पे, फोर्थ फिंगर थर्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग यानी ई स्ट्रिंग पे, ये भी आपका जी मेजर हो गया। ठीक, इसमें कौन से नोटेशन यूज हो रहे हैं, जी बी डी, ठीक, अब आपने ये चीज समझ ली कि कैसे नोटेशन निकाले जाते हैं, कैसे किस कॉर्ड में नोटेशन कहां बजेंगे, एक बार फिर से कैसे कैसे कॉर्ड बज रहे देख लीजिए, ये हो गया आपका ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस आपको उनके नोटिफिकेशन आराम से मिलते रहें, और घर बैठे बैठे आराम से आप गिटार सीख सकें। आपने मेरा वीडियो बहुत ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में सारे माइनर कॉर्ड्स की जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।